हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और आज मैं आपको अपने मम्मा के हाथ के मोमोज दिखाऊंगी कि मम्मा मोमोज बना रही हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मैं घर जाने वाली हूँ दो सौ घर के हॉस्टल जाने वाली हूँ दो दिन में तो मम्मा ने कहा कि चलो तुम्हें कुछ अच्छा बना के खिलाया जाए जो तुम इतना रट लगाती फिरती हो कि मुझे ये खाना है मुझे ये खाना है सो so, आज मैं आपको मोमोज दिखाऊंगी कि मैं मम्मा मतलब मेरी मम्मा मोमोज कैसे बनाती है तो चलो चलते हैं ये क्लिप है शाम की जब मम्मा और मैं बैडमिंटन खेल रहे थे मम्मा को बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलना आता है और मुझे बिल्कुल नहीं आता खेलना मतलब थोड़ा बहुत आता है तो मम्मा कह रही थी कि चलो इसी बात में मस्ती भी हो जाती है और तुम सीख भी लोगी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी तो मैं आई थी और मैं सिर्फ एक दो दिन खेल पाए उसके बाद नहीं खेल पाई थी तो अब मोमो की रेसिपी स्टार्ट करते हैं जो अभी आपने देखा है वो सोयाबीन का चूरा होता है तो उसको मम्मा ने अब ऐसे यह मतलब ऐसे करते हैं उसको चूरा डालते हैं पानी में तो थोड़ा फूल जाता है वो तो उसके बाद निकाल देते हैं पानी से और कैबेज मम्मी ने अलग काट के रख दिए थे और ये जो है ये लहसुन के पत्ता होता है स्प्रिंग अनियन जैसे होता है ना वैसे ये होता है तो लहसुन का होता है आई डोंट नो कि लहसुन को इंग्लिश में क्या कहते हैं आई जस्ट वॉर गेटेड सो ये uh, हमने मतलब वही अनियन को थोड़ा सा किया है फ्राई एंड देन दिस कैबेज एंड आफ्टर दैट दिस अनियन तो मैं बातों बातों में मम्मा मम्मा बात कर रही थी मेरे से मैं उनको बातों में फंसाई रखी थी तो मम्मा भूल गई थी अमीन मेरा हमेशा का यही होता है पता है मम्मा भी मुझसे बोलती है कि जब तुम्हें किचन में हमारा काम होता है तभी तुम्हें सारी बातें याद आती हैं उसके बाद फिर मैंने ये सोयाबीन मम्मा ने सोयाबीन का ये किया इसमें डाल दिया और मिक्स 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 कर दिया फ़्राई किया और उसके बाद फिर तो मम्मा ने मतलब कलर मम्मा ने नहीं मैंने बोला था कि मम्मा यार कुछ मतलब करो डेकोरेशन टाइप का तो मम्मा ने फिर अपना दिमाग यूज़ किया एंड देन शी यूज दिस कलर फूड कलर और इससे कोई भी आपको हार्मफुल नहीं पहुँचेगी किसी भी चीज़ की हार्मफुलनेस नहीं पहुँचेगी आपको इसको थोड़ा सा पानी में डालना है और आपको अपने उसमें डाल देना है देन मिर्च नमक एंड देन गरम मसाला और ये सब मम्मा ने मुझे बताया मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो मम्मा ने मुझे बताया कि ये 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 चीज़ें हैं ये चीज़ तो नॉर्मल है ये तो सबको पता होती है बट हाँ मम्मा ने बताया मम्मा मुस्कुराते हुए क्योंकि मैंने मम्मा का ऐसे क्या है उन्होंने किया कि मम्मा देखो <laughs> तो उसके बाद मिक्स मिक्स किया है हमने एंड इट्स एक्चुअली लुक डिलीशियस द फिलिंग इज़ एक्चुअली वेरी टेस्टी एंड इट्स यम उसके बाद चटनी की तैयारी हो गई थी मम्मी ने लहसुन डाला है टमाटर डाला है अपने आप अ, लिमिट के हिसाब से देख लो आपको जितना टमाटर चाहिए जितना जो भी चाहिए वो आपने लिमिट के हिसाब से देख लो देन मिर्च डाल दिए सूखी मिर्च अपने स्पाइसीनेस के हिसाब से देखना है कि आप कितनी मिर्च डाल रहे हैं Yes. Okay. उसके बाद आपको नमक डालना है अपने हिसाब से मतलब जो बोलते नहीं है ना अपने स्वाद अनुसार आप अपने डालें जो भी नमक डालना है आपको उसके बाद मिक्सी में मिक्स 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 हो गया उसके बाद मम्मा ने चटनी पता चटनी कैसी बनी थी मतलब चटनी इज़ ओके जब मम्मा ने मिक्स करके बनाई थी तो मुझे लगा कि मम्मा कलर कैसे आया है उसके बाद फिर कलर अपने आप नॉर्मल जैसी चटनी का होता है वो आ गया था उसके बाद फिर फिलिंग करना स्टार्ट हो गई थी इसमें मैंने भी मेहनत की है ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की है पहले मैं फिलिंग कर रही थी मम्मा बेल रही थी और मैं फिलिंग कर रही थी बट मुझसे शेप नहीं बन रहा था तो मम्मा ने कहा कि चलो तुम शेप कर लो उसके बाद मतलब तुम बेल लो और मैं शेप दे देती हूँ उसको अभी वो जो आपने अभी जो लड़का देखा है वो मेरा भाई है इज़ माई हैंडसम ब्रदर था वैसे मैं तारीफ करती नहीं हूँ वो लायक नहीं है बट है वो कहीं ना कहीं तो है <laughs> तो भाई मेरा भाई है वो तो मैं मूवी चला रही थी तो मैं मूवी चलाते हुए देख रही थी और ये बन गए हमारे मोमोज मम्मा ने यार बहुत मेहनत किया मैंने इसे बेला है और मम्मा ने इसे फिलिंग करके उसने तो मम्मा ने एक्चुअली बहुत मेहनत की थी इसमें और मोमोज़ में यार लगती भी है मेहनत तो फिर ये ट्रेडिशनल तरीके से मम्मा ने इसको किया है और मतलब वैसे हमारे पास था ऑलरेडी इस चीज़ के लिए बनाने के लिए बट मम्मा ने इसे ट्रेडिशनल मेथड से किया है कि आपको नीचे पानी और इसके ऊपर चन्नी में फिर आप मोमोज़ और ये बहुत अच्छा आया था मतलब यार कलर देख रहे हो आपको कितना अच्छा लग रहा है देखने में तो मम्मा मोमोज एक्चुअली बहुत टाइम बनाती है मतलब हमेशा जब हम लोग बोलते हैं इस टाइम बहुत लेट बना था बट मम्मा बनाती है तो उसको चटनी जो थी ना उसको थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च आप लेना कॉर्न स्टार्च ही कहते हैं जो गाढ़ा करती है कोई चीज़ तो कॉर्न स्टार्च मम्मी ने उसको पानी में थोड़ा सा किया था तो अब उसको मम्मी छोंक रही हैं तो मम्मी ने सूखी मिर्च ले ली हरी मिर्च सॉरी तेल में और उसके बाद कॉर्न स्टार्च डाल दिए फिर चटनी डालेंगी आप ऐसा करना कि आप चटनी डाल के फिर उसके ऊपर से कॉर्न स्टार्च डालना और उसको मिक्स मिक्स करना मम्मा ने मुझे बोला था ये बोलने को आपको सो इसलिए ये सब आपको करना है तो चटनी में पता है यार अच्छा लगेगा बहुत टेस्ट सा बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है तो इस ज़रूर करना है इस बार आप अपनी चटनी में ठीक है और इसकी वजह से ना आप बहुत टाइम तक अपनी चटनी रख सकते हो अगर आप छोंकते हो एंड देन इट्स रेडी टू ईट ओके तो बहुत टेस्टी था यार प्लीज़ ट्राई ऑन ज़रूर करना आप देख ही सकते हो देखने में जितना अच्छा है ना उतना ही खाने में अच्छा था मम्मा ने बहुत टाइम बाद बनाया था क्योंकि मैं इतना फोर्स नहीं करती थी मैं जल्दी नहीं आती थी बट इस टाइम इतना टेस्टी बना था ना मैं मुझे अभी भी बताते हुए भी मुंह में पानी आ रहा है कि बहुत 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 टेस्टी था अपने आप ट्राई ऑन ज़रूर करना फीलिंग बहुत अच्छी थी प्लीज़ ट्राई करना और कमेंट सेशन में ज़रूर बताना अगर आप ट्राई कर रहे हो तब उसके बाद फिर मैंने ये खाए जल्दी से बहुत सारे खाए थे भाई मैंने मोमोज़ ठीक है मोमोज तो अनलिमिटेड मैं खा सकती हूँ तो मोमोज खाए थे उसके बाद फिर दही बड़ा मम्मी ने रख रखा था रात के लिए तो मैंने कहा मम्मी अब मेरा पेट भर चुका है ये डिनर का टाइम था तो हमने इसलिए खाया था तो उसके बाद फिर हमने दही बड़ा खाया है एंड द एंड ऑफ द डे इज़ चलो अच्छा भाई ध्यान रखो अपना